डॉक्टर साहब अगर बात करें एलर्जी के बारे में कि एलर्जी होती क्या है, साथ ही बहुत सारे लोगों को ये डर भी बना रहता है कि एलर्जी हुई है तो उन्हें ज़िंदगी भर जो है दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है और कैसे क्या सच में दवाओं का सेवन ज़िंदगी भर करना पड़ेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल और मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है दर्शकों के लिए सबसे फ़ायदेमंद और उपयोगी साबित होगी। एलर्जी को विशेषतः ये एक अंग्रेजी टर्म है, इसे हिंदी में प्रत्युर्जिता कहते हैं। तो अगर परिभाषित करें तो अपने सामान्य जीवन में हम सांस लेते हैं, विभिन्न चीज़ों के संपर्क में आते हैं, पानी है, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अनेकानेक प्रकार के चीज़ों से हमारा दैनिक दिनचर्या में वास्ता पड़ता है और वो हमारे जीवन को सुगम बनाते रहते हैं। हम सांस लेते हैं, हवा हमारे फेफड़े के अंदर बाहर होती है, पानी से संपर्क होता है, कपड़े पहनते हैं, बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को छूते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हवा के द्वारा यानी सांस के जरिए और हमारी त्वचा स्किन के जरिए हमारे संपर्क में बहुत चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या न देती हो, लेकिन वही चीज़ें जब किसी दूसरे व्यक्ति के समस्या का कारण बन जाए उसे ही एलर्जी बोलते हैं। यानी वो सामान्य चीज़ें जिसके प्रति एक सामान्य मनुष्य का शरीर रिएक्शन नहीं करता है, जब वो रिएक्ट करना शुरू कर दे तो उसे एलर्जी की परिस्थिति कहते हैं। वो सामान्य चीज़ें क्या हैं? जैसे हवा, जिसमें धूल कण, फूल के पराग, फफूंदी आदि रहते हैं। उसके अलावा खाने पीने की बहुत सी चीज़ें, फल है, अलग अलग तरह के दाल है, सब्जियां हैं, मांसाहारी भोजन है, कपड़े जैसे सिल्क है, पॉलिस्टर है, कॉटन है। दवा एलर्जी एक बहुत विशेष कारण है आज के डेट में कि अलग अलग दवाओं का सेवन हम लोग करते हैं। मौसम का परिवर्तन, सर्दी गर्मी, बारिश का होना इत्यादि, तो इन सभी के प्रभाव से एक मनुष्य जब ग्रसित होता है तब उसे कहते हैं कि एलर्जी की बीमारी हो गई है। ये एलर्जी अपने आप को किस किस रूप में दिखाती है? जैसे लगातार सर्दी होना, नाक से पानी, छींक, नाक बंद होना, कभी दाहिना नाक बंद, कभी बायां नाक बंद, फिर आते हैं गले में खराश, खांसी होना और खांसते खांसते दम फूलना या सांस लेने में दिक्कत, उसके साथ आँखों की लालीपन, आँख से लगातार पानी गिरना। तो जो सर्दी होती है हम उसे राइनाइटिस कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। खांसी जब होती है उसे ब्रोंकियल एलर्जी बोलते हैं या ब्रोंकाइटिस, और इन दोनों को मिला करके एक मरीज तैयार होता है नेजो ब्रोंकियल एलर्जी, जो एलर्जी के पीड़ित मरीजों में सबसे ज़्यादा मात्रा इन्हीं की पाई जाती है, यानी सांस की मरीज या सर्दी के मरीज। अब आइए कि बहुत से लोगों को ये कोई लक्षण नहीं होते हैं अपितु उनको खारिश होती है, खुजली होती है, त्वचा में लाल लाल दाने निकल जाते हैं, चकत्ता हो जाता है, मच्छर काटने के बाद जैसे फूल जाता है। कुछ लोगों को अगर असामान्य रूप से आप पकड़ लें या उन पर दबाव बने तो उस जगह पर सूजन हो जाती है, जिस तरीके से वो खुजली करते हैं उस जगह पर सूजन हो जाती है। ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं डर्मल एलर्जी यानी त्वचा की एलर्जी। इन सभी को मिला करके एक एलर्जी का स्पेक्ट्रम यानी कि एलर्जी की परिभाषा बनती है। और इतना ही मैं कहूँगा अंत में कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि एलर्जी का निदान संभव नहीं है, एलर्जी का निदान पूरी तरीके से संभव है।